श्री श्री महालक्ष्मी पूजा नवयुवक समिति और सूरज कुंड धाम जीर्णोद्धार समिति के संयुक्त तत्वाधान में 91वां स्वर्णिम अवसर पर गुरुवार को सूरज कुंड धाम से भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें आसपास की महिलाओं और लड़कियों ने सूरज कुंड धाम स्थित सरोवर से कलश में जल भरकर विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कलश को सर पर रखकर भव्य शोभा यात्रा पर कलश लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में गईं। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से बीजेपी की ग्रामीण विधानसभा से विधायिका विपिन सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में पुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्यवाह, स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न क्षरिष्ठ नेमी, स्वस्ति नु जग्मग अगनिजिहवा मनव सूर्य, पंच जना आदित्य जात मदधतने त्वं ओम दौ शांतिरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राशे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे दे। दिन बहुत ही शुभ कार्य किया जा रहा है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा महालक्ष्मी नवयुवक समिति तथा सूरजकुंड जीर्णोद्धार समिति द्वारा लक्ष्मी जी की प्रतिमा को ले जाया जा रहा है। मोहन लालपुर यहां से सूरजकुंड से कलश यात्रा शुरू हुआ है, जिसमें कई सौ महिलाएं और बच्ची लड़कियां कलश जल भरकर सूरजकुंड से ले जाएंगी मोहन लालपुर, जहाँ पर देवी जी को स्थापित किया जाएगा, वहाँ पूजा करेंगी। यहाँ भी पूजा करके निकली हैं और बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हमारे भारतवर्ष में पूरा जो संस्कार है, जो परंपरा है, हमारा जो हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो भी रस्म रीत है, वो सबको हमारी माताएं और बहनें निभा रही हैं। और इसी वजह से आज गोरखपुर एक बहुत ही धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया है और हर पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अभी लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा मनाया गया, अब लक्ष्मी पूजा मनाया जा रहा है, फिर शक्ति राम महारानी का पूजा किया जाएगा। इस तरह से गोरखपुर में हमारी महिलाएं, बहनें और पुरुष बंधु भी पूजा के प्रति आस्था रख रहे हैं और विश्वास रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का और पूरे गोरखनाथ मंदिर का, नाथ संप्रदाय का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के सब मंदिरों का जीर्णोद्धार होकर के और सुंदर बनाया जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द हमारा राम मंदिर भी बनेगा और हम लोगों की जो इच्छा, आज इन लोगों की जो इच्छा थी, मुख्य इच्छा यही थी कि राम मंदिर का बनना शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।